किसी भी इंसान के जीवन का सबसे अहम पल वो होता है जब वो खुश होता है। लेकिन आज के दौर में हर किसी के जीवन में तनाव इतना ज्यादा हावी हो गया है कि लोगों के जीवन से खुशी नदारद होती जा रही है। इस खुशी को पाने की तलाश में लोग कई तरकीब भी लगाते हैं। खुशी हमारे जीवन के लिए बेहद अहम है, इसीलिए हर साल 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस को मनाने के पीछे ये उद्देश्य है कि इस दिन को सेलिब्रेट करके आप जीवन में खुशहाली लाने के नए मौके तलाश सकें। ऐसा माना जाता है कि जो समाज खुश रहता है वो समाज सबसे ज्यादा प्रगति करता है, और जो देश सबसे ज्यादा खुश रहता है वो सबसे ज्यादा आर्थिक उन्नति भी करता है। अगर आप खुश हैं तो अपने जीवन से तनाव को दूर कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में तनाव नहीं है तो आप कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है दिल की बीमारी और अवसाद। आजकल बच्चे हों या बड़े, हर किसी में डिप्रेशन की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को खुश रखना, ताकि आसपास का माहौल और वातावरण खुशनुमा बना रहे। अब आपको ये भी बताते हैं कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे को मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई। साल 2013 में इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे को मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने के पीछे ये कारण है कि इससे लोगों को जीवन में खुशियों का महत्व बढ़े। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग खुशियों के महत्व को समझ सकें। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे को हर साल सेलिब्रेट करने का रेजोल्यूशन 20 जुलाई 2012 को संयुक्त राष्ट्र से पास हुआ था। इसके बाद साल 2013 20 मार्च से यह हर साल सेलिब्रेट किया जाने लगा। इस दिन को मनाने के पीछे मशहूर समाजसेवी जेमी एलियन के प्रयासों को माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस पर बिल्ड बैक हैप्पीनेस यानी कि फिर से खुशियों का निर्माण करने की थीम रखी है। तो आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताइए, और जुड़े रहिए रेडियो हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।